नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इनफोकस सिविल एकेडमी ICA पर। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज से रिलेटेड विभिन्न विषयों की क्लासेस हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी हैं, जिससे आप पहले से ही अवगत होंगे। इसमें हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास और बायोलॉजी की क्लास, ये दोनों क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज हम लोग GS के जिस मेजर पोर्शन को उठाने जा रहे हैं, वो वास्तव में न केवल बहुत स्कोरिंग है, बल्कि बहुत ज़्यादा रोचक या पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये हमारी आम तौर पे चर्चाओं का, बातों का हिस्सा होता है, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इसे पढ़ना। उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी भारत का संविधान और राजव्यवस्था। ये ना केवल संविधान है और ना केवल राजव्यवस्था है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आमतौर पर इसे केवल संविधान या केवल राजव्यवस्था समझ लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अपनी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात कि यहाँ पर जो भी क्लास पढ़ाई जाती है, आपसे ये अपेक्षा होती है कि आप उसका हैंड रिटन नोट्स अपने तरीके से बनाएं। परंतु अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं भी कर पाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से जो पब्लिक ग्रुप है, उसमें इसके नोट्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं PDF फॉर्म में, और वो क्लास अपलोड होने के जनरली एक दिन बाद वो करा दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि जब भी हमारा कोई टॉपिक ख़त्म होता है, तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर किसी चैप्टर में हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की संख्या कम है या कम प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग उसमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो वो भी हम लोग एक साथ साथ लेते हुए चलेंगे, जिससे आप ये समझ सकें कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो वास्तव में सही दिशा में जा रही है कि नहीं, वो वास्तव में रेलिवेंट या प्रासंगिक है कि नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि पॉलिटी के जो जनरली जो बुक्स मार्केट में होती हैं, उन सभी में जो एक क्रम दिया रहता है उस चैप्टर्स का, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, तो हम उन चैप्टर्स के क्रम को एग्जैक्टली ना फॉलो करके उसमें कुछ फेर बदल अपने हिसाब से करेंगे, ताकि हम लोगों को उस विषय को समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। जैसे आप देखिए कि हमारा जो संविधान है वो भारत आज़ाद होने पर लागू हुआ, ठीक है, उसको हम लोगों ने बनाया क्योंकि उसके अनुसार ही हमें अपने शासन का संचालन, अपने अर्थव्यवस्था इत्यादि चीज़ों का संचालन करना था, इसलिए हमने कुछ एक गाइडलाइंस के हिसाब से और रूल्स के रेगुलेशंस के हिसाब से, सर्वोच्च जो कानून होता है संविधान, ऐसा एक लिखित दस्तावेज तैयार किया। अभी हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि संविधान क्या है, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1947 के बाद हम लोगों ने संविधान बनाया ताकि हमारे देश का शासन चल सके अच्छे से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1947 से पहले हमारे देश में कोई कानून कार्य ही नहीं कर रहा था। अंग्रेजों के द्वारा भी समय समय पर अनेक कानून लाए गए और उसके अनुसार ही भारत का संचालन शासन का होता रहता था, ठीक है। तो हमें बेसिकली, और उससे अगर पहले देखें तो राजा महाराजा के भी समय में, मुगल काल या उत्तर मुगल काल, उन समय में भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी कई सारे ऐसे कानून बनते थे जिससे कि शासन का बेहतर संचालन संभव हो सके। परंतु जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे संविधान पर पड़ता है, तो इसलिए उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे, उनको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका हम लोग के शासन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। परंतु राजा महाराजा जो पहले हुआ करते थे, उनके ऐसे कानून का कोई हमारे संविधान पर खास प्रभाव है नहीं, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं समझेंगे। परंतु अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून पर जो आधारित चैप्टर होता है, वो जनरली आपकी बुक में सबसे पहले दिया होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको उठाएंगे सबसे लास्ट में। उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये कि उस चैप्टर का सामंजस्य कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से भी है, तो इसलिए उस चैप्टर को समझाने के क्रम में हमें आपको थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री से भी रूबरू कराना पड़ेगा। दूसरी बात कि हम लोग जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद हम लोग
उन चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। नहीं तो आप जब पहले सबसे पहले अगर उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे तो आप लोग क्या हम लोग को भी कई बार ये चीज़ें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो एक तो काफ़ी बोरिंग भी है, दूसरी बात वहाँ पे लीगल टर्म्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये हमारे पढ़ाने का क्रम जो है वो थोड़ा सा फेरबदल होगा। वो किस प्रकार का होगा कि जैसे आज की क्लास में हम लोग अपने विषय जो है उसमें हम लोग धीरे धीरे प्रवेश ले रहे होंगे, यानी जो एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको हम लोग समझ रहे होंगे, उसका अध्ययन कर रहे होंगे, जिससे कि इस विषय के तमाम अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को समझने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इसके अगली क्लास होगी वो सीधा हम लोग शुरू करेंगे संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या क्या मतभेद हुए, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम संविधान का भाग एक भाग दो ऐसे करके शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य, यहाँ तक जब मूल कर्तव्य तक आ जाएंगे उसके बाद देखिए जब राष्ट्रपति वाला चैप्टर आता है तो आमतौर पर आप लोगों की जो जनरली बुक्स हैं उनमें एक सीक्वेंस ये होता है कि पहले वो लोग पूरा केंद्र का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महान्यायवादी और साथ में आपका संसद और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट इन सब का अध्ययन करा देते हैं, उसके बाद फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता और जो है आपका राज्य विधानमंडल राज्य उच्च न्यायालय उसका अध्ययन करते हैं, वो अलग अलग चैप्टर्स में होता है। जबकि हम लोग जब यहाँ पर अध्ययन कर रहे होंगे तो हम लोग आपका जैसे ही हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग राज्य का राज्यपाल पढ़ लेंगे, इसी तरीके जैसे ही हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री के साथ ही जो हम लोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये सब पढ़ लेंगे, संसद जब पढ़ेंगे तो संसद के साथ ही में हम लोग जो राज्य विधानमंडल है उसको पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ में हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि दोनों में एक सामंजस्य बेहतर हो जाता है और काफ़ी बातें दोनों में जो रिपीटेटिव हैं उसको हम लोग को दोहराना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आसानी से हम लोग उन चीज़ों को समझ सकेंगे और कुछ एक उनमें सिंक बैठा सकेंगे। तो चलिए ये तो हुआ हमारे पढ़ाने का जो तरीका है उस पर बात हो गई। अब हम लोग अगर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो तीन बातें लिखी हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान और राजव्यवस्था, भारत का संविधान और राजव्यवस्था, देखिए ये जो भारत का संविधान है इस और राजव्यवस्था है अगर इस चीज को हम लोग समझें तो इसमें बेसिकली तीन चीजें हैं जो समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली तो भारत, दूसरा संविधान और तीसरी राजव्यवस्था। भारत यानी अपने देश का नाम है, इसमें हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे कि भारत जो है वो राज्य इसको क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे भारत भी समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात संविधान, तीसरी बात राजव्यवस्था कि ये क्या है, दोनों चीज़ क्या इनमें डिफरेंस है, क्या संबंध है। तो देखिए संविधान अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो संविधान दरअसल क्या है कि आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से एक ऐसी सर्वोच्च विधि है जिसके हिसाब से हमें अपने देश के सभी शासन संचालन के लिए जरूरी कानूनों विधियों उपविधियों नियमों उपनियमों इत्यादि का निर्माण किया जाना होता है, यानी एक ये सबसे सुप्रीम लॉ बोलते हैं सर्वोच्च विधि, ये सर्वोच्च विधि है, जो भी कानून बनेंगे वो स्त्री के अनुसार बनेंगे, इसके खिलाफ जाके नहीं बन सकते हैं। मतलब एक ये जो है हमारी संविधान सभा ने एक ऐसा जो है ये कानून बनाया है जिसके बियॉन्ड जो है कानून नहीं बन सकते हैं, जो भी बनेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, नो एक्ट्स और लॉज और रूल्स और रेगुलेशन कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट दिस सुप्रीम लॉ, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि ये एक जो है रिटेन डॉक्यूमेंट है यानी लिखित दस्तावेज है, तो ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट लिखित दस्तावेज होता है। किसका दस्तावेज होता है कि इसमें जो है जितने भी नियम उपनियम हैं
उनके बारे में दिया हुआ है। इसमें न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों से भी संबंधित जो मूल विधियां हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और ताकि हम लोग अपने देश का शासन या फिर जैसे अर्थव्यवस्था और इससे रिलेटेड जितनी भी इकाइयां हैं जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्ड में चीज़ें दी हुई हैं वो हैं ये, ठीक है। तीसरी बात देखेंगे कि इसमें जो है ये हमारे देश के जो भी उद्देश्य या आदर्श हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। तो हमारे देश के जो उद्देश्य आदर्श या लक्ष्य, तो जो भी हमारे देश के उद्देश्य आदर्श और लक्ष्य हैं, मतलब हम कहाँ चाहते हैं, जब संविधान निर्माताओं ने इसे बनाया तो वो क्या चाहते थे कि हम लोग क्या जो है अपने देश को कहाँ पर देखते हैं, उनके क्या क्या एक जो है पैरामीटर्स होने चाहिए और क्या क्या आइडियल्स हम लोग जो है अपनी लाइफ में स्थापित करें, अपने नागरिकों के बीच में स्थापित करें, वो भी इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि शासन के अंग, अभी हम लोग जब राज्य व्यवस्था पे बात कर रहे होंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि शासन के अंग क्या हैं, क्यों हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे। फिलहाल अभी ये समझते हैं कि शासन के जो अंग होते हैं, यानी अभी मोटा मोटा समझिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, उनके बीच में क्या अधिकार और कर्तव्य होने चाहिए, क्या शक्तियाँ और दायित्व होना चाहिए, उसका भी निर्धारण कहीं ना कहीं हमारे इस सर्वोच्च विधि यानी संविधान में दिया हुआ है। यानी द वॉट एवर राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर शुड बी इन आवर कंट्री, दैट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब इसका भी हम लोग बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे राज्य व्यवस्था के अंदर। इसके अलावा एक बात ये भी रहती है कि इसमें राज्य और जनता के बीच संबंध भी निर्धारित होते हैं। तो राज्य और जनता के बीच संबंध, अगर राज्य इसको हटा दें अभी कुछ देर के लिए, इसकी जगह इसको देश रख दें, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि हमने राज्य क्यों हटा दिया, क्योंकि राज्य से कई बार थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देश और जनता के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, मतलब कि जनता के क्या अधिकार होने चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति, और क्या देश को उसके प्रति कर्तव्य होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स देश को भी दिए गए हैं, देश की सरकार को भी दिए गए हैं, जनता को भी दिए गए हैं, तमाम मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उसके साथ ही उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। तो इसके मध्य जो है एक बेहतरीन संबंध की स्थापना की कोशिश जो है वो हमारा संविधान करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली संविधान का मतलब है और उसका महत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राज्य व्यवस्था पे कि राज्य व्यवस्था का क्या मतलब है। देखिए, राज्य व्यवस्था का मतलब सीधा सीधा, एक तो राज्य व्यवस्था मतलब राजनीतिक व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था मतलब राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था आप इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था जो है इससे एक जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो है वो है राज्य, यानी इससे जुड़ी हुई जो सबसे बेसिक अवधारणा है वो है राज्य, क्योंकि किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, उसको शासन को चलाने के लिए जो एक व्यवस्था हमें ज़रूरी है वो राज्य व्यवस्था में डिस्क्राइब होती हैं, उसके अंतर्गत आती हैं। और इसको समझने के लिए ज़रूरी है हम राज्य शब्द का मतलब समझें पहले। राज्य शब्द जो है आप आम तौर पे जो हमारे लिए यूज होता है वो दरअसल आमतौर पर जो यूज होता है वो ये है कि हम लोग इसको प्रांतों के संदर्भ में यूज करते हैं। तो एक तो इसका मतलब ये होता है कि प्रांतों के संदर्भ में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तो इनको हम राज्य बोल देते हैं।
ठीक है, भारत में इसको राज्य बोलने की परंपरा है, किंतु पॉलिटी की भाषा में या कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में राज्य का मतलब इससे भिन्न होता है। यहाँ पे हम लोग इसको प्रांत ही बोलेंगे, और राज्य जो बोलना है, राज्य दरअसल कुछ इससे अलग है। राज्य जो है वो किसी भी समाज की जो राजनीतिक संरचना होती है उससे संबंधित होता है, और एक तरह से देखें तो हम लोग का जो देश होता है या जो जैसे भारत है, भारत एक राज्य है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने काटा था कि देश लिखा था राज्य की जगह पे, तो राज्य का मतलब बेसिकली देश होता है। पॉलिटी में जहाँ कहीं भी राज्य आएगा, स्टेट्स आएगा, स्टेट आएगा, तो वो जो है देश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि भारत हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, तो ये सभी देश हैं, ठीक है। लेकिन देश बनता कैसे है, मतलब कोई भी राज्य राज्य कब कहा जाएगा, स्टेट क्यों कहा जाएगा, तो उसके बेसिकली चार तत्व होते हैं। चार तत्व जो होते हैं वो उसको राज्य की घोषणा करते हैं। तत्व में देखिए डबलता आता है, ये इधर पे, ये आपके पीसीएस की परीक्षा में, आरओ जो परीक्षा थी उसमें एक हिंदी में इस तरह की एक अशुद्धि पूछी गई थी, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं कि राज्य के जो है चार तत्व होते हैं, उसके आधार ही पे कोई देश देश कहलाता है, ठीक है, या राज्य कहलाता है। तो वो चार तत्व कौन से हैं, तो पहला तो हो गया भूभाग, मतलब किसी भी देश के पास एक अपना निश्चित जो है भूभाग होना चाहिए, कुछ क्षेत्रफल पर उसका जो है अधिकार होना चाहिए, उसके पास कुछ ऐसी जमीन होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही में आता है जनसंख्या, तो यानी उस भूभाग पर, उस जमीन के टुकड़े या क्षेत्रफल पर कुछ जनसंख्या का निवास होना चाहिए, जिस पर कि उस देश का जो है शासन व्यवस्था उस मतलब चलती हो, और उस देश उस वहाँ की जो जनसंख्या है वो उसके कानूनों का पालन करती हो, तो ऐसी कुछ एक जनसंख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। भूभाग जनसंख्या के बाद तीसरा आता है कि सरकार, मतलब वहां पर एक सरकार स्थापित होनी चाहिए, यानी कि उस भूभाग और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वहां पे कानूनों का पालन कराने के लिए, इन सभी के लिए एक सरकार का होना जरूरी है, ठीक है, जो वहां की शासन सत्ता को संभाल सके। इसी प्रकार से चौथा जो होता है वो संप्रभुता होता है। संप्रभुता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेंटी, और ये बाकी पॉपुलेशन और लैंड और गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो चार एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं उसमें हमारा ये सोवरेंटी जो है लास्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है कि बिना किसी बाहरी दबाव के वहां की सरकार जो है अपने जनसंख्या के हित के लिए काम कर सके, उनके संबंध में नियम बना सके, लेकिन उसमें किसी बाहरी सरकार का कोई दबाव ना हो, और वो अपने स्वप्रेरणा से अपने स्वहित में निर्णय ले सकें। दूसरी बात यह कि आपकी जो सरकार है वो दरअसल एक मतलब दूसरों द्वारा यानी अन्य देशों द्वारा उसको मान्यता भी प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अब हम लोग के पास, अगर हमारे पास थोड़ी सी जमीन है और बाकी जो है उसमें कुछ लोग भी, जैसे मान लीजिए हमारा ये ऑफिस है इनफोकस सिविल एकेडमी, इसका ऑफिस है वहाँ पर जो है हमारे पास अपनी जमीन है थोड़ी सी, वहाँ पर जो है कुछ लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, जनसंख्या हो गई, उसके बाद जो है वहाँ पर मान लीजिए हमारे नियम भी फॉलो होते हैं, तो एक तरह से हम वहाँ की सरकार हैं, हम खुद को मान लीजिए प्रधानमंत्री घोषित कर लिए, किसी दूसरे को राष्ट्रपति घोषित कर लिए, ठीक है। लेकिन वो संप्रभुता भी एक तरह से है, हमें किसी बाहरी दबाव को मानने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी कह दें कि भाई ये वीडियो खत्म, तो मतलब खत्म, तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग अब कहें कि हम लोग जो है देश हो गए हैं और हम अपने देश के प्रधानमंत्री हम जाएं यूएनओ मीटिंग करने, तो ऐसा संभव नहीं है। उसका कारण समझिए, क्योंकि हमें जो है जरूरी है कि हमारे राज्य को अन्य राज्यों द्वारा मान्यता भी दी गई हो, यानी कि अन्य जो सरकारें हैं उनके द्वारा एक मान्यता प्राप्त हो, सर्वस्वीकार्य हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है राज्य आता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये राज्य जो है
वो भारत जो यहाँ पे हमने कहा था कि समझने के लिए जरूरी है, तो ये राज्य का एग्जाम्पल भारत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राज्य व्यवस्था को समझे, संविधान को समझे, भारत को समझे, तो भारत जो है वो एक राज्य है, ठीक है। क्या कोई ऐसे राज्य भी होते हैं जो कि, मतलब क्या कोई ऐसा भी है जो प्रॉपर एक राज्य नहीं है? तो देखिए, ये चारों तत्व जो हैं, ये चारों के चारों तत्व अनिवार्य तत्व हैं, ये चारों के चारों जो है अनिवार्य और निर्धारक तत्व हैं। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होता है तो वो राज्य एक प्रॉपर राज्य, प्रॉपर स्टेट नहीं कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका भूभाग है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे आपका जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है, दलाई लामा के संबंध में आपको पता होगा कि जब चीन ने जो है उनको वहां से भगाया, तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद जो वहां के सरकार थी दलाई लामा के नेतृत्व में, वो भारत में आके शरण ले लिए, और भारत में हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है धर्मशाला, वहां से उन्होंने अपना शासन का संचालन किया। वहां पे उनके कुछ एक जो नागरिक थे वो भी भाग के आ गए, तो उनके ऊपर उनका शासन चलता भी है आज भी। तो उनके पास देखिए जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन भूभाग नहीं है। तो जनसंख्या और सरकार है मगर भूभाग नहीं है, तो वो एक राज्य नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, दुर्भाग्य से वो एक राज्य नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि भूभाग है, जनसंख्या है, अफगानिस्तान जैसे हो गया आपका, ठीक है, तो वहां पे भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन सॉवरेंटी नहीं है वहां पे, जो है कभी किसी का शासन रहता है, कभी किसी का रहता है, और जो शासन रहता भी है उस पर बाहरी शक्तियों का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। तो वो जो है एक, जैसे अभी आप देखे होंगे कि इमरान खान साहब जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने कई बार ये बात कही कि भारत जो है वो एक मजबूत कंट्री है, इसलिए वो जो है सॉवरेन कंट्री है, यानी संप्रभु देश है, वो किसी के दबाव में आके कोई निर्णय नहीं लेता है। अगर कोई देश हमसे कहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, अगर वो हमसे कहता है कि हम लोग जो है आप ये रूस से जो है तेल आयात ना कीजिए, क्योंकि वहां के लोग जो है वो यूक्रेन पे आक्रमण किए हैं, वहां के शासन ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है सेना ने, तो हम लोग उस दबाव को नहीं मानते हैं, और यही दिखाता है कि हम लोग किसी दबाव को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग सॉवरेन है। लेकिन वही पाकिस्तान को मानना पड़ गया, पाकिस्तान को झुकना पड़ गया, तो इसी का एग्जाम्पल वो बार बार देते रहते हैं। और एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके कई एक मतलब भाषणों को वो अपनी रैलीज में दिखाते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो शायद। तो चलिए, ये हो गया कि राज्य होने के लिए ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, अगर कोई भी राज्य में ये चीज मौजूद नहीं है तो वो प्रॉपर एक राज्य नहीं कहा जा सकता है। भारत जो है इस संबंध में एक राज्य है क्योंकि उसमें ये चारों चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो भारत हम लोगों ने समझ लिया, संविधान समझ लिया, राज्य व्यवस्था का मतलब समझे, लेकिन अभी राज्य व्यवस्था में ये समझिए कि इसकी जरूरत क्यों होती है, शासन व्यवस्था एक होना, एक मतलब सिस्टम होना प्रॉपर, इसकी क्यों जरूरत है। तो राज्य व्यवस्था की जरूरत क्यों है, अगर इस पे देखें कि इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो आप एक तो चीज ये समझिए कि बहुत प्राचीन काल से ही राज्य व्यवस्था जो है वो चली आ रही थी, शासन की व्यवस्था कोई आज से नहीं है, बहुत समय पहले से हम लोग देखते हैं कि चाहे वो वैदिक काल हो, वहां पे आप देखेंगे प्रॉपर मंत्रिपरिषद का गठन हम लोग को मिलता है, रत्न हविंसी करके जो है कैबिनेट मिलती है पूरी। उसी प्रकार से मौर्य काल हो, उसका प्रशासन बहुत तगड़ा था, गुप्त काल हो, अलग अलग समय पे मुगल काल, हर समय पे हम लोग को प्रशासन या राज्य व्यवस्था जो है वो एक बहुत सॉलिड दिखती है, राजा महाराजा जो है उसको करते थे, ठीक है। तो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसका कारण समझिए कि कभी भी जो अगर कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं लागू होगा, कोई ऐसा नियम कानून नहीं लागू होगा, और किसी का अगर खौफ, मतलब सरकार का अगर कोई डर नहीं होगा, उसके पास शक्तियां नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं वो राज्य एकदम अराजक होने की उसकी संभावना है। अराजक मतलब एनार्किस्ट होने की संभावना है। ऐसा क्यों है, तो देखिए, जब आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो शारीरिक रूप से बहुत बलवान नहीं है, उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, उसके पैसे छिना लेता है, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो कमजोर के अंदर जो है जब भय रहेगा, तो जाहिर सी बात है ना, तो उसका अपना स्वाभाविक विकास हो पाएगा उसके मस्तिष्क और व्यक्तित्व का,
इसके साथ ही जब उसका नहीं हो पाएगा तो देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। जो वो योगदान एक स्वतंत्र मस्तिष्क के साथ दे सकता था अपने इकोनॉमी को, वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी निर्बल के मन में भय ना हो और जो सबल हैं उनमें जो है किसी भी प्रकार की ऐसी वो चेष्टा ना कर पाएँ, ऐसा कोई प्रयास ना कर पाएँ कि वो जो है राज्य के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करें या अपनी मनमानी दिखाने की कोशिश करें। इसीलिए देखा होगा कि राज्य का एक डर होना बहुत ज़रूरी होता है, जो यूं ही नहीं आजकल बुलडोजर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो ये डर कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वही कब्जे होंगे, ज़मीन पर होंगे। तो पता है कि ज़मीन का मामला है, सिविल मैटर है, कोर्ट में ही जाएगा, पुलिस उसमें कुछ कर नहीं सकती है, वो कोर्ट में जाएगा तो फिर आगे चल के वो घसीटता रहेगा, इतना वो डिले हो जाएगा कि जो संबंधित पक्ष हैं वो पता नहीं कब तक तब तक कहाँ पे हों जब उसका निर्णय आए। तो इसलिए त्वरित कार्रवाई के लिए कहीं ना कहीं एक खौफ होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। खैर, मैं यहाँ पे इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये कैसा है क्या है, उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ये समझते हैं कि जो प्राचीन काल से ये एक शासन पद्धति चली आ रही थी वो हमारे कहीं ना कहीं एक देखिए कि आंतरिक सुरक्षा जो भारत में उसकी जो चुनौतियां हैं, यानी कि जैसे नक्सलवाद है, आतंकवाद है, इनको भी टैकल करने के लिए हमारे देश में एक प्रॉपर संविधान शासन व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू हम जो है जो पुलिस व्यवस्था है या फिर जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो कर पाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर पाते हैं और जो डिफेंस वगैरह है तो वो सब है जो कि इन ऐसी समस्याओं का सामना कर सकती है। मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति आए और हमारे पास कोई सरकार ही ना हो और कोई शासन व्यवस्था ही ना हो तो हम क्या करेंगे? अकेले आदमी तो नहीं जा सकता है। इसको एक इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वो मूल रूप से स्वार्थी होता है, और हर मनुष्य अगर स्वार्थी है, हर कोई अपना भला चाहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनाव होगा, ठीक है? तो वो जो है उन तनावों का, उन विवादों का समाधान करने के लिए भी शासन बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कानून का पालन करने के लिए, यानी रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए देश में शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल जो है इसकी भूमिका केवल रूल ऑफ लॉ यानी कानून के पालन तक ही नहीं सीमित है, बल्कि अब इसको जो है एक स्टेप आगे बढ़ के कल्याणकारी व्यवस्था का नाम भी दिया जाता है, यानी राज्य के लोगों का कल्याण करने के लिए, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए इसको जो है हम लोग अब वेलफेयर स्टेट का भी दर्जा देते हैं। तो शासन व्यवस्था की ज़रूरत रूल ऑफ लॉ के लिए तो है ही, साथ में पब्लिक वेलफेयर के लिए भी है, ठीक है? इसके बाद एक अंतिम पॉइंट अब हम लोग समझेंगे आज की क्लास का, और वो है कि आपका जो ये है राज व्यवस्था है तो उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है? तो राज व्यवस्था जो हमारी है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, इसमें जो हम लोग देखेंगे कि चुनौतियां यानी चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो इसमें देखिए कोई भी अगर शासन चलाना है, ठीक है, तो उसके सामने तीन जो है बहुत मेजर क्वेश्चंस होते हैं, तीन सबसे बड़े प्रश्न होते हैं। पहला कि कानून बनाना ये एक चुनौती होती है कि कैसा कानून बनाया जाए, किस प्रकार का बनाया जाए जो सभी के हित को ध्यान में रख सके, सभी की उन्नति के लिए कार्य कर सके, साथ ही राज्य को भी मजबूत बना सके और आगे बढ़ा सके। तो ऐसा एक कानून बनाना चुनौती है। दूसरा है कि कानून का पालन कराना भी एक चुनौती है। और तीसरा है कि विवादों का समाधान कराना, मतलब अगर कानून के पालन कराने में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो देखिए उन विवादों का समाधान करना भी एक चुनौती होती है, यानी कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि न्याय करना या विवादों का समाधान करना। तो ये तीन जो है किसी भी शासन व्यवस्था, किसी भी शासन के समक्ष ये तीन सबसे बड़े प्रश्न होते हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं। अब अगर हम इन चुनौतियों को देखेंगे तो देखिए पहले के समय में क्या होता था कि ये जो राजा महाराजा होते थे
वही इन तीनों चीजों का निर्धारण करते थे, मतलब कानून भी वही बनाते थे, कानून का पालन भी वही कराते थे। कानून कहा जाता था कि जैसे इंग्लैंड में एक कहावत प्रचलित थी कि कानून जो है वो बनाना, मतलब जो भी राजा के मुख से निकला वो कानून हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन थी। उसके बाद वहां पर था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, वो जैसा चाहे वो कानून का पालन करा, जिसको बोल दिया उसको सजा मिल जाती थी, जिसको माफ कर दिया वो माफ हो गया। ये नहीं देखा जाता था कि उसमें वो सही है क्या है, उसके निर्णय पे तो कभी संदेह भी नहीं किया जा सकता था। तो पहले ये स्थिति थी। इसी तरीके से देखिए धर्म पुरुष जो होते थे, धर्म जो पहले रिलीजन स्टेट होते थे, यानी कि जो धर्म के आधार पर जो देश गठित किए गए होते थे, उनमें क्या होता था कि धार्मिक पुस्तकों के आधार पर या फिर जो उनके धर्म के सर्वोच्च नेता होते थे उनके डिसीजंस को जो है यहाँ पे सर्वोपरि रखते हुए इन तीनों समस्याओं का समाधान वही कर देते थे। तो धर्म के सर्वोच्च जो नेता होते थे, धर्म के सर्वोच्च नेता वो जो है इसका समाधान कर देते थे। लेकिन फिर जो है देखिए कि यहाँ पर आया एक आदमी मॉन्टेस्क्यू, ऐसे कुछ और भी विचारक आए जिन्होंने कहा कि इन तीनों ये जो हैं ये काम अलग अलग लोगों द्वारा होना चाहिए। मतलब अगर कानून बना भी वही रहा है, पालन भी वही करा रहा है और कुछ गलती हो तो न्याय भी वही कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शक्ति एक ही हाथों में केंद्रित हो गई है। और जब एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएगी तो जिस हाथ में भी वो केंद्रित है वो एकदम तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह हो जाएगा मतलब उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। कंट्रोल नहीं रहेगा तो अगर वो कुछ गलती भी करता है तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से ऐसा हुआ, कई बार होता था कि मतलब कोई ऐसा गलत कानून बन गया तो भी जनता को उसे फॉलो करना, अगर गलत नियम बन गया तो भी जनता को उसे मानना ही है, या गलत कोई न्याय हो गया तो भी जनता को मानना ही है, जो अफेक्टेड पर्सन है उसको मानना है, क्योंकि वो कुछ उस पर ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते थे। तो जो भी पर्सन के पास ये सर्वोच्च शक्ति होती थी उससे ऊपर कोई नहीं होता था, और उससे ऊपर जब कोई नहीं होता था तो कहीं ना कहीं वो एक तानाशाह हो जाता था, वो अपनी मनमानी लागू कर सकता था, ठीक है। तो अगर उस समय में मान लीजिए ब्रिटेन में पहले राजा होता था, या फिर जैसे कोई और स्टेट है वहाँ पे अगर धर्म का कोई सर्वोच्च व्यक्ति होता था, वो अगर ये कह दे कि आज से इस देश का कोई भी नागरिक सांस भी नहीं ले सकता है, तो उस समय लोगों को ये मानना पड़ता, जो कि देखिए प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। मतलब ये तो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है, ये ऐसा अधिकार है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, लेकिन अगर राजा चाहता तो वो ये कर सकता था। तो सोचिए कितनी खराब सिचुएशन थी, ऐसे तो कुछ भी मनमानी हो सकती थी और होती भी थी। तो यहाँ पे एक विचारक आए मॉन्टेस्क्यू, ये फ्रांस के थे, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये तीनों काम जो है वो अलग अलग संस्था या व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। इसको बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये जो है बोला गया मॉन्टेस्क्यू जब आया है, फ्रांस का था। और आप मानिए कि मॉन्टेस्क्यू की बातों से ही आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया 1789 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, मॉन्टेस्क्यू हुए, रूसो हुए, वोल्टेयर, इन सब लोगों की बातों पर कांट हुए, तो इनके विचारों ने वहां पे क्रांति को जन्म दे दिया। तो विचारों में इतनी ताकत होती है, और कहीं ना कहीं आज भी हम अगर इनको पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि विचार हमेशा जीवित रहते हैं, लोग तो मर ही जाते हैं मगर विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। तो देखिए मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने कहा कि ये तीनों जो है ये सेपरेट मतलब संस्था या व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो उसके बाद से जो फिर एक अवधारणा जन्म ली वो हमारे संविधान में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ऐसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ और फिर वहाँ से हर देशों ने इसे अडॉप्ट किया अपने यहाँ अलग अलग मात्रा में, लेकिन हमारा जो संविधान है उसमें भी हमें इसे देखने को मिलता है कि अब जो है तीन व्यवस्था के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, इसका समाधान किया जाता है। मतलब अगर कानून बनाने की चुनौती है तो उसके लिए जो है अलग शासन का अंग है,
कानून का पालन कराने के लिए अलग है और न्याय करने के लिए अलग है। तो देखिए यहीं से ये जो तीन व्यवस्थाओं द्वारा जो है इसका समाधान किया गया, तीन व्यवस्थाओं द्वारा इन चुनौतियों का समाधान किया गया। अब वो तीन व्यवस्थाएं क्या थी, तो यहां से हम लोग आते हैं, वो तीन व्यवस्थाएं क्या थी, तो पहला था विधायिका, तो ये था विधायिका यानी जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ठीक है, विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कि कानून बनाना वाला जो काम था वो विधायिका के अंडर में था कि कानून। पहले देखिए जब राजतंत्र होता था, मतलब राजा का जब कानून होता था तब तो राजा ही कानून बनाता था, या धर्म धार्मिक स्टेट में धर्म का सर्वोच्च नेता कानून बनाता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो है ये हाथ, ये जो है चीज, वो किसी धर्मतंत्र या राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र जो है वो बहुत फेमस हो गया है। तो देखिए विधायिका में जो है आजकल जो तंत्र है वो लोकतंत्र है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी होगी और हमें भी लिखने में आसानी होगी। तो चलिए तीन व्यवस्था द्वारा जो है इसका समाधान इन चुनौतियों का किया गया, उसमें सबसे पहला था विधायिका, विधायिका यानी लेजिस्लेचर ठीक है। पहले इसमें राजतंत्र और धर्मतंत्र ये सब फेमस था, तानाशाही अधिनायकवाद ये सब फेमस था, पर आजकल इसमें लोकतंत्र फेमस है। लोकतंत्र को ही डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी मतलब डेमो और क्रेसी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रेसी का मतलब होता है शासन, कहीं पे भी कैसा जो शासन है वो शासन व्यवस्था समझ लीजिए, तंत्र जो है वो उससे रिलेटेड है, सिस्टम जैसे हो गया। और डेमो का मतलब लोग, जो वहाँ की डेमोग्राफी जैसे आपने सुना होगा, तो लोग जो होते हैं उनके द्वारा, यानी कि इसकी एक अगर डेफिनेशन एक लाइन में कही जाए तो ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों पर शासन की व्यवस्था है। मतलब अगर हमें अपने पर शासन करना है तो हम अपने ही हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि हमें कैसा शासन चाहिए, हम ही ऐसे लोगों को चुनेंगे कि हमें जो है इस तरह का शासन चाहिए, हमें इस तरीके का शासन। तो जैसे भारत में है, मान लीजिए भारत में जो लॉ बनाते हैं हम लोगों के लिए बनाते हैं, मतलब हम ही लोगों के लिए लॉ बनाया जाता है ठीक है, नागरिकों के लिए। जो लोग बनाते हैं उनको चुनता कौन है, वो हम ही लोग चुनते हैं। तो देखिए और वो लॉ लागू किस पे होते हैं, वो हम ही लोगों पे होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लोकतंत्र जो है ये वास्तव में सबसे खूबसूरत चीज है ठीक है। तो लोकतंत्र जो है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी दो तरीके का लोकतंत्र होता है, वैसे तो इसके और भी पार्ट हैं, पर इसको हम लोग अगर वैसे समझें अपने मतलब अभी के लिए जो जरूरी है उसमें, देखिए एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि हमें मिलता है कुछ एक देशों में देखने को, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ का निर्णय करना है, जैसे अगर मान लीजिए हमें ये पूछना है कि भाई कल जो है छुट्टी रखी जाए, और यहाँ पे जितने भी लोग अभी जो है क्लास को देख रहे हैं उन सभी से हमने पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या मतलब है, उसमें 10 लोगों में से 5 लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ रख दिया जाए, 3 लोगों ने कहा कि नहीं रखी जाए। तो इस आधार पे हमने निर्णय ले लिया कि भाई 5 लोग कह रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी कह रही है, इसलिए हम जो है ये छुट्टी कल घोषित करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि सामने ही पब्लिक को बैठा के और उनसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, उनसे जो है हम लोग वोटिंग करा लें। लेकिन देखिए ये ऐसा जो है उन देशों में तो पॉसिबल है जो छोटे से देश हैं जिसमें कम जनसंख्या है, वहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि आप स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, तो वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था है। उनमें कई एक और भी कॉन्सेप्ट हम लोग को प्लेबिसाइट बोलते हैं कि जनमत संग्रह हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, या फिर राइट टू रिकॉल, और भी कई ऐसे जो है इनिशिएटिव करके ऐसे कई एक पहल होती हैं जो हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। अभी समझिए कि वहाँ पर हम लोग जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ पर मुद्दे डिसाइड हो जाते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन जो बड़े देश हैं, मान लीजिए कि भारत में अगर कुछ होना है तो उसके लिए हम लोग अगर एक एक व्यक्ति से पूछने जाएंगे तब तो फिर वो काम हो ही नहीं पाएगा,
वो जो है इतना डिले हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, 125 करोड़ 132 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है। अगर सबसे हम लोग ये मत लेने जाएंगे कि भाई जो है कृषि का कानून बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो सबके अपने अलग अलग व्यूज होंगे। पहले तो व्यूज को इकट्ठा ही करने में इतना समय लगेगा, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस करने में, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य को पीछे की ओर धकेलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था लाएं, यानी इनडायरेक्ट कुछ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव टाइप व्यवस्था लाएं। जैसे कि भारत में है कि हम लोग जो है नागरिक लोग चुनते हैं, अपने आसपास का जो हमारा पार्षद होता है, नगर पार्षद या फिर पंचायत होती है, उनको चुनते हैं, और विधायक चुनते हैं, विधायक जो है आगे मतलब मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से केंद्र में हम लोग सांसद चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, तो वो लोग आगे चल के मतलब वो लोग जो है प्रधानमंत्री डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग की एक व्यवस्था पूरी सेट है, और वो लोग हमारे पक्ष में लॉ मेक करते हैं, लॉ बनाते हैं। जैसे जो विधायक हम लोग चुनते हैं, वो लोग हमारी फिर मांगों को रखते हैं। एक एक बंदा जाके और संसद और राज्य विधानमंडल में तो अपनी मांग नहीं रख सकता है, तो इसलिए हम लोग अपने अपने एरिया का एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि यही है। तो ये हो गया प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा हम लोग जो दूसरी एक चुनौती थी कि कानूनों का पालन कराने की, उसके लिए हम लोग जो है दूसरा एक शासन का अंग है वो है कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। तो देखिए कार्यपालिका जो है इसका काम है कि जो कुछ भी विधायिका द्वारा मतलब कानून बनाया गया उसका अनुपालन करना, ये उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो जो भी लॉ बनाया गया उसको फॉलो करें, ठीक है। इसमें देखिए इसके भी दो प्रकार देखे जा सकते हैं, एक होता है स्थाई या परमानेंट, और दूसरा होता है अस्थाई यानी टेम्परेरी, ठीक है। स्थाई को अगर हम लोग देखें तो हम लोग प्रशासनिक भी बोल देते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका, और अस्थाई को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी बोल देते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। तो देखिए प्रशासनिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक को अस्थाई, प्रशासनिक को स्थाई, ऐसा इसलिए बोलते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब आप समझिए कि जो अधिकारी तंत्र होते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा यानी IAS IPS ये सब जो होते हैं, वो बेसिकली आपका प्रशासनिक कार्यपालिका में आते हैं या स्थाई आते हैं, क्योंकि उनकी जो जॉब रहती है वो एक सर्टेन टेन्योर तक, निश्चित समयावधि तक वो निश्चित रहती है, मतलब वो परमानेंट रहती है, ठीक है। वही जो राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक में मतलब आपका जो हमारे नेतागण आते हैं, मंत्री जो आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है, ठीक है, कैबिनेट जो होती है, वो जो है आपका अस्थाई होता है, क्योंकि वो हर 5 साल पर बदलने की उसकी चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको अस्थाई बोला जाता है। तो ये जो है कार्यपालिका दोनों ही हैं, यानी जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, सरकार है, वो भी जो है कार्यपालिका है, और उनके कहे अनुसार, उनके मतलब जो बातें हैं उनको फॉलो करने के लिए एक ये जो प्रशासन होता है वो भी कार्यपालिका का ही अंग होता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के माध्यम से जो राज्य व्यवस्था होती है उसको, कानूनों को लागू कराया जाता है जो कि विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि तीसरा जो शासन का अंग है वो है आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशियरी। तो देखिए जब भी कोई ऐसा विवाद समाधान होता है, विवाद कोई होता है, तो उसका समाधान करने के लिए न्यायपालिका होती है। मतलब अगर कोई दो व्यक्तियों में, या फिर मान लीजिए कि राज्य में ही हो जाए, जैसे मान लीजिए कि प्रांत हैं तमाम यूपी बिहार में कुछ ऐसा विवाद हो जाए, या बिहार महाराष्ट्र में हो जाए, तो ऐसा कुछ जो है राज्य में हो जाए, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी अगर मामला हो, जैसे मान लीजिए चुनाव के कुछ प्रक्रिया में कुछ ऐसा विवाद हो गया, तो उन सभी विवादों का समाधान करने के लिए न्यायपालिका जो है यानी कि जुडिशियरी वो मौजूद होती है, वो भी एक शासन का महत्वपूर्ण अंग है।
ठीक है, तो ये विवादों का समाधान उसका कारण, उसका एक जो है कार्य होता है। दूसरा एक कार्य ये होता है कि उसके कुछ एक निर्णय जो है वो अपने आप में कानून होते हैं। कुछ एक निर्णय क्या, सभी निर्णय अपने आप में कानून होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, उसने कोई बात अगर कह दी तो वो अपने आप में एक ऐसा कानून हो जाता है जिसको आगे के केसेस को, आगे के विवादों के समाधान में उसको एक हम लोग एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं और वो अपने आप में एक लॉ हो जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बल्कि केस लॉज भी बोलते हैं। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे कि लॉज जो है वो मतलब वो तो है ही जो विधायिका बनाती है, लेकिन उसके साथ में वो लॉ भी हैं जो कि न्यायपालिका यानी जुडिशियरी बनाती है। और जैसे कि आपके तमाम सारे ऐसे लॉज हैं जो कि जुडिशियरी के ही द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हेलमेट जैसे अनिवार्य करने की चीज़ें हों, तो ये पहले जो है जुडिशियरी ने इस पर स्टेप लिया, उसके बाद सरकार ने उस पर कानून बनाया। या फिर जैसे कि आपका जो आपका जैसे ये हुआ कि हेलमेट वगैरह, आप जैसे जो उसमें पब्लिक प्लेसेस पे आप जब जाते हैं चौराहे पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो गाड़ी खड़ी करने पर जो है वो पॉल्यूशन ना हो उसके लिए गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए। तो ये सब तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपका मतलब ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। हालांकि ये इसको अभी कानून का रूप सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन जैसे एक आप ये समझ सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि अगर आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास हेलमेट या कुछ भी नहीं है और ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, तो वो आपकी जनरली चाबी निकाल लेते हैं, तो वो चाबी नहीं निकाल सकते हैं। वो एक जो है उन्होंने अपना एक गाइडलाइंस दे दी, तो अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं कोर्ट में। तो इस तरीके के समय समय पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइंस या हाई कोर्ट अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है और वो भी अपने आप में कानून का हिस्सा माने जाते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि जब 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया था, तो पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको ये सहमति दी थी, उसके बाद राज्य से कहा था कि आप इस पे एक प्रॉपर कानून बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक इसके पास बहुत अच्छा एक जो है पावर रहती है वो है जुडिशियल रिव्यू की। इससे आप बेहतर तरीके समझ लेंगे कि शासन की जो तीनों अंग हैं वो मॉन्टेस्क्यू की बातों से किस आधार से रिलेटेड हैं। तो देखिए, विधायिका जो भी कानून बना रही है वो संविधान के हिसाब से हैं कि नहीं है, ये चेक करना भी वास्तव में न्यायपालिका का ही काम है। मतलब न्यायपालिका कहीं ना कहीं विधायिका पे कंट्रोल रखे हुए है, क्योंकि वो उसके बनाए कानून को जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, इसको पुनरावलोकन बोलते हैं, मतलब पुनरावलोकन यानी दोबारा से देखना, रिव्यू, ठीक है, और जुडिशियल का मतलब न्यायिक। तो यानी कि विधायिका के बनाए गए कानून संविधान के हिसाब से हैं या संविधान के खिलाफ हैं, ये चेक करना जो है वो न्यायपालिका का काम है। ठीक है, ये पब्लिक की बेहतरी के लिए हैं या नहीं है ये चेक करना न्यायपालिका का काम है। इसी प्रकार से जो, तो यानी कि कहीं ना कहीं देखिए न्यायपालिका का विधायिका पे एक कंट्रोल है। इसी प्रकार से कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका पर भी, कार्यपालिका जो है वो उस पर देखिए आपकी, जब कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो संसद में हंगामा मचता है, आपने देखा ही होगा टीवी पे, तो कहीं ना कहीं विधायिका का कार्यपालिका पे भी कंट्रोल है। ठीक है, न्यायपालिका का भी कार्यपालिका पर कंट्रोल है, क्योंकि सरकार जब कुछ उल्टा सीधा करती है, कुछ भी ऐसे मनमानी करती है, तो फिर न्यायपालिका जो है उसको ठीक ठाक तरीके से फटकार लगाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी को फटकार लगाती है। इस देश में ही, यहाँ लोकतंत्र है, इस देश में ही ऐसा संभव है कि देश का प्रधानमंत्री को भी कोर्ट बुला लिया जाए, जबकि वो प्रधानमंत्री हो उसी समय पर कोर्ट बुला लिया जाए, ऐसा हो चुका है इंडिया में। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका जो है उसका कार्यपालिका पे भी कंट्रोल है, दूसरी बात कि विधायिका का भी कार्यपालिका पे कंट्रोल है। उसके बाद आप देखेंगे कि न्याय, जो न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति या उनको हटाने का जो है, हटाने का प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि ये भी मनमानी कर सकते हैं, इनका जो हटाने का प्रोसीजर है वो जो है इनके पास है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसकी क्या प्रक्रिया है। तो उनको हटाने का प्रोसीजर विधायिका के पास है,
तो कहीं ना कहीं ये सब आपस में एक चेक एंड बैलेंस यानी कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो है इनके बीच में लाया गया है, जिससे कि आपस में इनमें जो है वो इतना बेहतरीन एक संतुलन स्थापित हो सके, एक समन्वय स्थापित हो सके, जो कि हमारे देश के शासन व्यवस्था को बेहतर बना सके और हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तो चलिए, आज की क्लास में हमने समझा कि भारत का संविधान क्या है और राजव्यवस्था क्या है, संविधान का मतलब, उसका महत्व क्या है, राजव्यवस्था क्या है, राजव्यवस्था में राज्य क्या है और राज्य के क्या क्या तत्व होते हैं, और भारत जो है वो मतलब किस प्रकार से राज्य है। और उसके बाद फिर हम लोग सोचा कि हम लोग ने समझा कि जो राजव्यवस्था है वो क्यों ज़रूरी है, और राजव्यवस्था में जो है जो चुनौतियाँ उसके सामने होती हैं उनका समाधान करने के लिए आज के समय में तीन जो है शासन के अंग बनाए गए हैं। तो कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि शासन के अंग क्या हैं, तो शासन के अंग जो है तीन होते हैं, यही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होते हैं। उसके बाद हम लोग ने इसके बारे में एक बेसिक व्यू लिया, लोकतंत्र को जाना, ये सब चीज़ें समझी। अब हम लोग जो अगली क्लास अपनी शुरू करेंगे वो हम लोग सीधा संविधान का जो निर्माण है उससे शुरू करेंगे। आज की जो क्लास थी वो आपके बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थी, पर जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग अपने जो उन टॉपिक्स को शुरू कर रहे होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।